विश्व राजनीति से ही जुड़ा हुआ एक और विश्व राजनीति से ही जुड़ा हुआ जो एक और पक्ष है जो विदेश नीति है। तो भारत की विदेश नीति के बारे में जब हम बात करेंगे तो उस विदेश नीति के लिए महात्मा गांधी की जो भूमिका है उसको कैसे देखा जाए। मैं अपनी सीमा में महात्मा गांधी के अवदानों पे चर्चा करने की कोशिश करूंगा आज की विश्व राजनीति में और भारत की विदेश नीति में महात्मा गांधी के कृतित्व और उनके विचारों का क्या इम्पैक्ट रहा है और कितनी बड़ी भूमिका महात्मा गांधी की विश्व राजनीति में रही है और भारत की विदेश नीति पर पड़ी है। इससे पहले कि महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े जो वृत्तांत हैं जो उनका कृतित्व है उनसे जोड़ते हुए विश्व राजनीति पे हम बात करें, ये बहुत समीचीन होगा कि विश्व राजनीति और विदेश नीति को थोड़ा सा समझा जाए, क्योंकि आज एक ऐसा समय चल रहा है, आज एक ऐसा दौर चल रहा है जब चीजों को एक बाइनरी में समझने की जल्दबाजी है। हम या तो अच्छा या बुरा इस तरह से समझना चाहते हैं, दोस्त या दुश्मन के बीच में समझना चाहते हैं, काले और सफेद के बीच में समझना चाहते हैं, लेकिन ये बात कुछ हद तक प्राकृतिक विज्ञानों पे तो ठीक ठहरती है, लेकिन जब विषय ह्यूमैनिटीज का हो, सोशल साइंसेस का हो, तो बात बिल्कुल बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में करना बहुत समझदारी नहीं होगी, हम पहुंच नहीं पाएंगे एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रूथ की तरफ। तो विश्व राजनीति और विदेश नीति के का जो अर्थ है एक बार उस पर भी बात करनी जरूरी हो जाता, करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। विश्व राजनीति जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसमें ये इसको एक थिएटर की तरह, एक रंगमंच की तरह अगर हम देखें तो विश्व राजनीति के दो सबसे बड़े एक्टर हैं, और जो पहला एक्टर है उसको हम स्टेट एक्टर कहते हैं और जो दूसरा एक्टर है उसको हम नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं। स्टेट एक्टर जो दुनिया भर में लगभग 200 से ऊपर के ऊपर से 200 से अधिक देश हैं उनको हम नेशन स्टेट कहते हैं। हालांकि राजनीति शास्त्र के हिसाब से नेशन स्टेट थोड़ी बहुत अलग अलग व्याख्या होती है, लेकिन ठीक है, सम बोलचाल कॉमन परलांस में बोलचाल की भाषा में समझने के लिए राजनीति में हम उसे नेशन स्टेट कहते हैं। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो पहला एक्टर है, जो मोस्ट प्रोमिनेंट एक्टर है, जो उसको हम स्टेट एक्टर कहते हैं, और दूसरा जो एक्टर है वो नॉन स्टेट एक्टर है। अब ये स्टेट एक्टर किसे कहते हैं और नॉन स्टेट एक्टर किसे कहते हैं, इन्हीं दोनों के बीच की जो एक्टिविटीज हैं, जो इंटरेक्शंस हैं, वो हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पढ़ रहे होते हैं। स्टेट की चार विशेषताएं होती हैं जो कि नॉन स्टेट एक्टर में नहीं होती है। अब राज्य में जो चार बड़ी विशेषताएं हैं कि उसका एक निश्चित भूभाग होगा, उसकी एक संप्रभुता होगी, उसमें एक जनसंख्या होगी, उसमें एक सरकार होगा, ये चारों चीजें होनी जरूरी है राज्य होने के लिए। और संप्रभुता, सरकार, भूभाग और निश्चित जनसंख्या, ये चारों चीजें, इसमें से कोई एक भी चीज ना हो तो राज्य उस पर्टिकुलर एंटिटी को हम नेशन स्टेट नहीं कह पाएंगे, वो स्टेट एक्टर नहीं कहलाएगा। नॉन स्टेट एक्टर वो होते हैं जिनमें ये चारों मूल चारों गुण नहीं होते हैं, या हो सकता है कि चार में से कोई तीन उपलब्ध हो और कोई चौथा ना उपलब्ध हो, तो उसको हम नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं। उदाहरण के लिए दुनिया भर के जो देश हैं उनको हमने कहा कि स्टेट एक्टर है, और अगर कोई एनजीओ है जो दुनिया कई देशों के बीच में काम करता है तो उसे हम नॉन स्टेट एक्टर कह सकते हैं। बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं तो उनको भी हम नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं। तो जब हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स कहते हैं तो हमें ये मोटी मोटा समझने की जरूरत है कि स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर के बीच का जो इंटरेक्शन है उसके बहुत सारे जो पहलू हैं वो हम बाकायदा विश्व राजनीति में कवर करते हैं। अब आती है बात विदेश नीति की। विदेश नीति किसे कहते हैं? विदेश नीति स्टेट एक्टर की उस पॉलिसी का नाम है, उस नीति का नाम है कि कैसे वो विश्व रंगमंच में अपने आप को बाकी देशों के समक्ष रखेगी, बाकी देशों के साथ रहते हुए कैसे वो अपने हितों का संरक्षण करेगी, अपने इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेगी। बहुत सारे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब आते हैं तो उसमें कैसे अपने राष्ट्र के हितों को वो सर्वोपरि रखेगी, विदेश नीति इन सभी चीजों की चिंता करता है। यानी कि चूंकि विश्व राजनीति को
मैंने कहा कि दो चीजों से हमें मोटी मोटा समझने की कोशिश करनी चाहिए, स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर। और जो फॉरेन पॉलिसी है वो स्टेट एक्टर के उसी बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि जब आप विश्व राजनीति पे बात करेंगे तो विदेश नीति पे बात करना बहुत ही स्वाभाविक होगा। आज का जो विषय है कि महात्मा गांधी की जो भूमिका है वो विश्व राजनीति में कैसी है और विदेश नीति, भारत की विदेश नीति के बनाव में, मेकिंग ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी में महात्मा गांधी की क्या भूमिका होगी, अब यहाँ से बात करना काफी मुफीद होगा। वो इसलिए क्योंकि अब हम समझते हैं कि विश्व राजनीति और विदेश नीति का संबंध कैसा है। तो इसके पहले मैं दो तीन बातें और भी कहूंगा ताकि महात्मा गांधी की जो भूमिका है वो अपने पूरे पूरे प्रभाव में हमें समझ में आए। विश्व राजनीति की एक खास प्रकृति है और ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लगभग एक ही तरीके से देखने की गलती कर जाते हैं। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जैसा मैंने कहा कि स्टेट में चार चीजें होती हैं, एक संप्रभुता होती है। संप्रभुता का मतलब है कि इसके ऊपर ये और किसी की बात नहीं सुनेगा और इसकी सारी बात सुनेंगे विद इन द टेरिटरी, तो वो एक सार्वभौम सत्ता है जिसके ऊपर कोई और ऑर्डर नहीं दे सकता। एक खास सरकार होगी जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेगी, प्रशासन का काम करेगी, निश्चित भूभाग होगा उसका, अपना बॉर्डर होगा, बाउंड्री डिफाइंड होगी और निश्चित जनसंख्या भी होगी, एक खास राज्य में, एक खास देश में एक ठीक ठाक जनसंख्या भी निवास करेगी। तो ये तो राज्य की चीजें हो गई। तो जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के फैक्टर्स होते हैं, ठीक ठीक वही फैक्टर्स वर्ल्ड पॉलिटिक्स के नहीं होते हैं। कई बार ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल कॉमन नहीं होते, लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हमें जो हम हमें ये देखना होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टर्स हैं, जो जो स्टेट एक्टर्स हैं, वो आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो स्टेक होल्डर होते हैं वो कल्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं, सोशल फैक्टर हो सकते हैं, एक राष्ट्र राज्य के अंदर बहुत सारे प्रोविंसेस होते हैं, उनके अपने साझे हित हो सकते हैं, उनको हम कैसे विनियमित करते हैं, ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का मुद्दा हो सकता है। लेकिन वर्ल्ड थिएटर में वो जो विश्व रंगमंच है वहां सारे ही स्टेट एक्टर, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज, कितनी बड़ी उनकी साइज है, कितना बड़ा उनका पॉपुलेशन है, जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन है, वर्ल्ड मैप पे वो कहाँ लोकेट करते हैं, वाकई उन सभी चीजों का असर तो होता है, लेकिन सिद्धांत के तौर पे हम सभी देशों को बराबर समझते हैं। वो सारे ही नेशन स्टेट है, अपनी बाउंड्री के भीतर वो उनकी खूब चलती है क्योंकि वो सॉवरन एंटिटी है। लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स का जो नेचर है वो एनार्किकल नेचर होता है, यानी कि इसकी एक हिंदी की जाती है जिससे मैं बहुत सहमत नहीं हो पाता, अराजकता जिसको कहते हैं, एनार्की की हिंदी अराजकता करते हैं, लेकिन राजनीति में अराजकता शब्द थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। विश्व राजनीति की जो प्रकृति है वो एनार्किकल है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो पूरी विश्व राजनीति के जो एक्टर्स हैं उसमें किसी एक की केंद्रीय भूमिका नहीं है। जब आप किसी राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, एक अथॉरिटी हो सकती है, एक सावर्निटी हो सकती है, तो वहां एक केंद्रक है, राष्ट्रीय राजनीति में केंद्रक, एक केंद्र आपको मिल रहा है। लेकिन विश्व राजनीति की प्रकृति ऐसी है कि वहां पे कोई एक केंद्र नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि पूरे वैश्विक व्यवस्था में, वर्ल्ड सिस्टम में कोई ऐसा निकाय नहीं है, कोई ऐसी शक्ति का केंद्र नहीं है जो सारे स्टेट एक्टर को रेगुलेट करता हो और सारे स्टेट एक्टर उसकी बात मानने के लिए बाध्य हो। ये ऐसी जो व्यवस्था की गई है वो जानबूझकर की गई है। वो व्यवस्था इसलिए ऐसे की गई है क्योंकि अगर आप विश्व राजनीति में केंद्र स्थापित कर देंगे तो संकट ये होगा कि जो भी स्टेट बहुत डोमिनेट करेगा, करेगा ही क्योंकि अलग अलग चीजों में इतिहास ऐसा है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि अलग अलग देश अलग अलग समयों में प्रभावशाली हो सकते हैं। तो उस स्थिति में जो डोमिनेटिंग स्टेट होगा वो दूसरे स्टेट के कल्चर को, उसकी हिस्ट्री को, उसके बिहेवियर को, उसके ओरिएंटेशन को वो इम्पैक्ट करेगा। इस कदर इम्पैक्ट कर सकता है कि उस देश की जो खास बात है, जो उसके डिस्टिंक्टनेस है, वही जो है खतरे में पड़ सकती है। इसलिए जानबूझकर वैश्विक व्यवस्था ऐसी बनाई गई है जहां पे राष्ट्रीय राजनीति की तरह कोई एक खास केंद्र नहीं है। इस बात को बहुत गहराई से हमें समझना होगा क्योंकि यहीं पे राष्ट्रीय राजनीति और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत बुनियादी अंतर हो जाता है।
अब अगर राष्ट्रीय राजनीति, अगर अंतरराष्ट्रीय राजनीति इस प्रकार की है कि वहां पे कोई केंद्र नहीं है, तो सभी राज्यों की ये स्वयं की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अपनी रक्षा करें। उन्हें ये सबसे पहला काम उनका ये है कि किसी भी परिस्थिति में उनको सर्वाइव करना है, और सर्वाइव करने के लिए कोई दूसरी शक्ति, कोई केंद्रीय शक्ति आपकी मदद नहीं करेगी, क्योंकि सभी स्टेट एक्टर की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने अस्तित्व की रक्षा करें। ये विश्व राजनीति की प्रकृति है, और इस वजह से आपको कूटनीति की जरूरत पड़ती है, डिप्लोमेसी की जरूरत पड़ती है, आपको निगोसिएशन की जरूरत पड़ती है। दुनिया भर के देश दुनिया भर के देशों के साथ संबंधों के कॉबवेब में रहते हैं, और वो चाहते हैं कि एक जाल बना रहे, एक इंटरडिपेंडेंस की सिचुएशन रहे, ताकि हम दूसरे देशों के मनोभावों को भी समझें, और उन सारे संबंधों के बीच में राष्ट्रीय हित का संरक्षण कैसे करना है, इसके लिए हमें डिप्लोमेसी की जरूरत पड़ती है। अब ये हमारी जमीन है जिसको हम विश्व राजनीति कहते हैं। विश्व राजनीति एक ऐसी जगह होगी जहां पे हमें सर्वाइव करना है, और हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए और कोई नहीं लड़ेगा, हमें खुद उसकी लड़ाई करनी पड़ेगी। जैसे हमारे राष्ट्रहित हैं, ऐसे ही दुनिया के दूसरे देशों के भी राष्ट्रहित हैं, और बहुत संभव है यह होता ही है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो वहां पे डिप्लोमेसी काम आती है। फॉरेन पॉलिसी एक फॉरेन पॉलिसी या विदेश नीति का काम ही यही है कि विश्व राजनीति के इस एनार्किकल वर्ल्ड सिस्टम में आपके हितों को वो संरक्षित करे और बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करे। बहुत सारी चुनौतियां हो सकती हैं विश्व राजनीति में, सभी चुनौतियों से लड़ने का मादा विदेश नीति आपको देती है। किसी भी देश के साथ, संगठन के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे पेश आना है, ये आपको विदेश नीति आपके देश की तय करती है। एक आखिरी बात और कहूंगा, फिर हम गांधी पर आएंगे ताकि उनकी भूमिका और अच्छे से हाईलाइट हो, वो ये कि आज की जो वैश्विक व्यवस्था है, ये ऐसा नहीं है कि हमेशा से यही वैश्विक व्यवस्था थी जहाँ पे हम बड़े आराम से डिफाइन कर पा रहे हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में दो एक्टर होते हैं, स्टेट एक्टर है, नॉन स्टेट एक्टर है। इसके पहले का जमाना कुछ इस तरह का रहा है कि किंग्स होते थे, और अपने रिसोर्सेस की पूर्ति करने के लिए वो आसपास लगातार कॉन्फ्लिक्ट, लगातार फाइट, लगातार वॉर किया करते थे। ऐसा कोई नोशन, ऐसी कोई भावना डेवलप नहीं हुई थी कि ये टेरिटरी है, ये बॉर्डर है, या ये सॉवरनिटी है, या ये नेशन है। ये सारी चीजें डेवलप हुई हैं इतिहास के बहुत बाद में, बहुत, मैं कहूँ तो बहुत हालिया इतिहास है जहाँ पे राष्ट्र राज की संकल्पना हमें मिल रही है। गांधी का जो समय है, उस वक्त तक वैश्विक व्यवस्था अपने आधुनिक रूप में आने लगी थी जरूर, लेकिन वो इस वक्त तक जैसी आज है वैसी थी नहीं। वो दौर है जब जिसको हम इंपीरियलिज्म और कॉलोनिज्म का टाइम कहते हैं, और जहाँ पे जो वर्ल्ड पावर है वो ब्रिटेन है, और उसके बाद के हिस्से में हम देखते हैं जब डीकोलोनाइजेशन होता है तो अमेरिका, और जैसे अभी तक अमेरिका एक वर्ल्ड पावर की तरह हमारे बीच में है। तो ये जो वर्ल्ड सिस्टम है ये बहुत पुराना नहीं है। जो वर्ल्ड सिस्टम की और वर्ल्ड पॉलिटिक्स की समझ हमारी आज बनी है वो हालिया समझ है, लेकिन गांधी के समय में ऐसा ही वर्ल्ड सिस्टम बनेगा जहां पे विदेश नीति इंपॉर्टेंट होगी, नेशनल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जहां पे राज्य को अपने हितों की सुरक्षा करनी पड़ेगी सबसे पहले। ये सारी चीजें गांधी के समय में अंदाज लगा पाना ये इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि देश आजाद भी नहीं था और पूरी दुनिया में कॉलोनिज्म का बोलबाला है। कॉलोनिज्म को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं बहुत संक्षिप्त में, वो इसलिए क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे देश पे आक्रमण हुआ, हमने लड़ाई की या हमने जीता, और तो ये बाइनरी में चीजों को समझ सकते हैं कॉलोनिज्म के पहले के, हाँ भाई किसी ने अटैक किया, हमारे राजाओं ने प्रतिवाद किया, हम जीते या हारे, उस तरह से समझना ठीक है। लेकिन जब उपनिवेशवाद की बात आती है तो बात सीधी फाइट की नहीं है। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया और भारत एक निकाय की तरह उसने उसका सामना किया, ऐसी कोई चीज नहीं है। भारत ब्रिटेन के सब्जुगेशन में भी है रहा, और ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक सत्ता की बात नहीं थी, सोशली, कल्चरली, रिलीजियसली, हर तरीके का ये ऑनस्लॉट है, हर तरीके का ये अटैक है।
आपके ऊपर एक सवाल पैदा हो जाता है भारतीय होने के लिए, आपके इतिहास के ऊपर, आपके धर्म के ऊपर, आपके सामाजिक इयत्ता के ऊपर, सब कुछ के ऊपर प्रश्न होता है, उसको हम कॉलोनिज्म कहते हैं। तो जब आप इसके लिए फाइट करोगे तो आपको सभी चीज का उत्तर देना होगा, सिर्फ राजनीतिक रूप से आपको नहीं जीतना है बल्कि आपको उपनिवेशवाद की भी लड़ाई लड़नी है, और जिसके जवाब में एक राष्ट्रवाद भी तैयार होता है। तो ये लड़ाई बहुत ही कठिन और बहुत ही जटिल, और इसके बहुत सारे संस्तर हैं, बहुत लेयर्ड हैं, हर लेयर पे आपको रिस्पॉन्स करना है, तभी आप कह सकते हैं कि आप आजाद हैं। महात्मा गांधी की भूमिका इस जवाब से ही शुरू हो जाती है। अब महात्मा गांधी की भूमिका पे हम आराम से बात कर सकते हैं। विश्व राजनीति में सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि महात्मा गांधी कैसे रिस्पॉन्स करते हैं विश्व राजनीति में, और विदेश नीति जो भारत की बनी है उसकी मेकिंग में कैसे वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो तीन चीजें, तीन टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी कोऑपरेशन की पॉलिसी अपनाते हैं, थ्री सीज हम कह सकते हैं, कोऑपरेशन, उसके बाद कन्फ्रंटेशन है, और फिर वो क्लेम करते हैं। तो गांधी सबसे पहले कोऑपरेशन करते हैं, फिर कन्फ्रंटेशन करते हैं, और फिर वो क्लेम करते हैं। जैसा मैंने हमने बात की कि विश्व राजनीति की प्रकृति ऐसी है कि आपको अपने राष्ट्र की सुरक्षा स्वयं करनी है, नेशनल इंटरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यानी कि मोरालिटी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जो मोरालिटी है और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की जो मोरालिटी है वो डिफरेंट है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में आपकी ये मोरालिटी हो सकती है कि व्यक्ति व्यक्ति का लाभ होना चाहिए, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ये मोरालिटी हो सकती है कि आप किसी का फायदा किसी के नुकसान के एवज में नहीं कर सकते, लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो पहला क्राइटेरिया होता है कि आपको अपने देश को बचाना है, अपने देश के हितों का संरक्षण करना है, तो यहाँ की मोरालिटी का डिफिनीशन ही यही है कि आपको नेशनल इंटरेस्ट डिफाइन करना है। मैं जो आपसे बातें कर रहा हूँ वो जो IR की थ्योरी है, रियलिज्म, उससे बहुत बेस्ट रिप्रेजेंट होती है, लेकिन मोटी मोटा समझने के लिए ये IR की ये थ्योरी बहुत काम आती है, जिसको हम यथार्थवाद कहते हैं। दूसरी जो थ्योरी है वो आइडियलिज्म कहते हैं, जहाँ पे हम ये मानते हैं, यथार्थवाद जहाँ ये कहता है कि युद्ध को आप नहीं रोक सकते क्योंकि सारे ही देश अपने राष्ट्रहित के संरक्षण में लगे हुए हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा ही, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा ही, तो आपको उसकी तैयारी रखनी चाहिए। वहीं पे जो उसका दूसरा विचारधारा, वो कहती नहीं, स्टेट इस तरह के होते हैं कि जो आपस में निगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही विचारधाराएं, ऐसा नहीं सिर्फ यही दो विचारधाराएं हैं IR की थ्योरीज में, दूसरी भी है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, बहुत सारी थ्योरीज है, मार्क्सिज्म है, फेमिनिज्म है, लेकिन अभी के लिए इतना ही हमें समझना चाहिए कि दो डोमिनेंट थ्योरीज हैं, आइडियलिज्म और रियलिज्म, जिस दोनों में ही हमें यह समझना पड़ेगा कि विश्व राजनीति में एक देश को सर्वाइव करना है सबसे पहले, और उसकी मदद कोई और नहीं करेगा, उसे खुद करना होगा। तो महात्मा गांधी का जो समय है उस और आने वाले समय के हिसाब से, जैसे हम क्यों कहते हैं कि कोई थिंकर दूरदृष्टा होता है, पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन में ये डिफरेंस है कि पॉलिटिशियन शायद आज की जरूरत के हिसाब से रिस्पॉन्स कर पाए, लेकिन जो स्टेट्समैन होते हैं उन्हें वो भविष्य की तैयारियों, भविष्य की जरूरतों के हिसाब से भी रिस्पॉन्स करते हैं। तो महात्मा गांधी में ये गुण मिलता है हमें। तो सबसे पहले महात्मा गांधी कोऑपरेशन की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। महात्मा गांधी के बारे में हम सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में कि उनकी उनकी जो राजनीति की शुरुआत हो रही है वो अफ्रीकन एक्सपीरियंस से शुरुआत हो रही है। अफ्रीका में जो सबसे पहला विवाद, जो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन महात्मा गांधी का दिखता है विश्व राजनीति के लिहाज से, वो है जुलू विद्रोह हो रहा है और बोअर बोअर के युद्ध हो रहे हैं। हम सभी बोअर युद्ध और जुलू विद्रोह के बारे में जानते हैं। बोअर दरअसल अफ्रीकन वर्ड है, बोअर का मतलब किसान होता है, और ये जो बोअर युद्ध है या जो जुलू विद्रोह है, दरअसल ये ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन है अफ्रीका का, और उसमें जो वहाँ के स्थानीय किसान हैं वो विद्रोह कर रहे हैं। तो अगर आप इसको मोरालिटी की दृष्टि से देखेंगे, तो जैसे मैंने कहा कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की मोरालिटी की दृष्टि से देखेंगे, तो आपको प्रथम दृष्टि लगेगा कि जो कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस है उसमें गांधी ब्रिटेन के साथ क्यों खड़े हैं, क्योंकि बोअर युद्ध और जुलू विद्रोह में गांधी कहीं ना कहीं ब्रिटेन के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं।
लेकिन जब आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स के नजरिए से देखेंगे, जहां पे एनी हाउ यू हैव टू प्रोटेक्ट योर नेशनल इंटरेस्ट, तब आपको समझ में आएगा कि जो डोमिनेंट पावर है वर्ल्ड पॉलिटिक्स की वो उस वक्त ब्रिटेन है। और ब्रिटेन जो डोमिनेंट पावर है वहां पे गांधी एक रास्ता निकालते हैं कि गांधी अपने लिए एक रास्ता निकालते हैं, अपने लिए एक जमीन निकालते हैं जो कि बाद में भारत को बहुत फायदा पहुंचाने वाली है। कि बोअर युद्धों में वो एक लेटर लिखते हैं और एक कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश करते हैं, गवर्नर को लेटर लिखते हैं और एक कंट्रीब्यूशन इंडियन एम्बुलेंस कॉरपोरेशन के माध्यम से कंट्रीब्यूशन करने की बात करते हैं, सक्सेसफुली करते भी हैं। लगभग 1100 के वॉलंटियर्स होते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके बारे में गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जो मेरी पर्सनल सिंपैथी है वो बोअर लोगों के साथ है। इसका मतलब जब आप इंडिविजुअलिटी की लेवल पे देखेंगे या फिर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के मॉरलिटी के लेवल पे देखेंगे, तो गांधी को बिल्कुल समझ में आ रही है बात कि ये जो मैं ब्रिटेन का साथ दे रहा हूँ ये उस हिसाब से सही नहीं है। लेकिन जब आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स की मॉरलिटी के हिसाब से देखेंगे और अपने भारत के लिए निगोशिएट करने की बात आएगी, तो आप डोमिनेंट पावर के साथ आप एक क्रेडिबिलिटी कंस्ट्रक्ट करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। गांधी ने जो पक्ष यहाँ पे लिया है, और ये ऐसा कोई पक्ष नहीं लिया है कि वो अंग्रेजों के साथ खड़े होकर के बोअर्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो साथ दे रहे हैं, जो मदद कर रहे हैं, जो नर्सिंग वाली जो मदद है वो ब्रिटिशर्स के साथ है। तो एक अपना एक इमेज मेकिंग का प्रयास है और एक कंट्रीब्यूशन दिखाई पड़ता है। विश्व राजनीति में ये जो इमेज मेकिंग है ये कितनी इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि विश्व राजनीति में जैसा कि कोई की केंद्र नहीं है, हमने बात की कि कोई एक शक्ति का केंद्र नहीं है, तो फिर आखिर विश्व राजनीति की करेंसी क्या है, किस बात पे वर्ल्ड पॉलिटिक्स चलती है? तो वो करेंसी है क्रेडिबिलिटी की। कोई भी देश किसी दूसरे देश का साथ उस स्तर तक देता है जितना उस देश की क्रेडिबिलिटी होती है, और ये क्रेडिबिलिटी एक दिन में बनती नहीं है, ये क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे बनती है। और इस क्रेडिबिलिटी के बनने में बहुत सारे फैक्टर्स का कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि कोई देश जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है उनको कितना फॉलो करता है, कोई देश किसी ट्रीटी को कितना फॉलो करता है, कोई देश इन यूनिवर्सल जो इथिक्स हैं, जो ग्लोबल इथिक्स हैं, उनको कितना परसू करता है। तो भारत तो गुलाम है उस वक्त, और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक एक्टर की तरह क्लेम भी नहीं कर पा रहा है। उसके बहुत पहले गांधी एक मौका तलाश करते हैं और भारत के लिए क्रेडिबिलिटी बनाने की कोशिश कर देते हैं उस वर्ल्ड पावर के साथ जो वर्ल्ड सिस्टम को डिफाइन करने की हैसियत में है, कि हालत में है, कि प्रक्रिया में है। और हम सब जानते हैं कि आज का जो वर्ल्ड सिस्टम है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का ही बना हुआ सिस्टम है, थोड़े बहुत बदलाव के साथ जो कि लगातार होते रहते हैं। तो उस वक्त जो वर्ल्ड पावर है उनके साथ एक कनेक्शन बन जाती है गांधी के जरिए, और बोअर और जुलू जो विद्रोह हुए हैं और वॉर हुए हैं उसमें जो गांधी का कंट्रीब्यूशन है, ये महात्मा गांधी की का विश्व राजनीति से संबंध जोड़ने का पहला बड़ा अवसर दिख पड़ता है। हमने देखा कि गांधी सबसे पहले कोऑपरेशन की बात करते हैं। एक और बात यहाँ पे मैं जोड़ना चाहता हूँ कि आखिर ब्रिटेन का साथ देने की बात क्या सिर्फ विश्व राजनीति के मोरालिटी के हिसाब से ही है? सिर्फ इतना नहीं है, एक और बात जो हमें समझनी चाहिए। आज का जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, जो नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, और आज हम देखते हैं कि लोकतंत्र बहुत ही पॉपुलर टर्म है, लगभग दुनिया का हर देश अपने आप को लोकतांत्रिक कहना चाहता है। तो लोकतंत्र का ये जो पूरा सिस्टम है उसकी 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 जो शक्ति है वो संविधानवाद में है, और ब्रिटेन को मदर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे हैं। ब्रिटेन वही देश है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की शुरुआत हो रही है, संविधानवाद की शुरुआत हो रही है। किसी देश में संविधान होना चाहिए और संविधान के हिसाब से ही सभी संस्थाएं काम करेंगी, ये लोकतंत्र के मूल्य हैं, हम और आप जानते हैं। लेकिन सभी संस्थाएं अपने अपने शक्ति क्षेत्र की मर्यादा में ही रहेंगी, शक्ति का अतिक्रमण नहीं करेंगी, ये संविधानवाद है। संविधान और संविधानवाद दोनों की जो परंपरा है आधुनिक समय में वो ब्रिटेन से ही आई मानी जाती है। ये जो और ब्रिटेन चूंकि संविधानवाद की परंपरा को लेकर के चल रहा है, और
यही आज के लोकतंत्र की बुनियाद भी बनती है। और वर्ल्ड सिस्टम में जो स्टेट एक्टर हैं वो सभी लोकतंत्र के मूल्य को मानते भी हैं। तो ब्रिटेन का साथ देने का अर्थ ये भी है कि आने वाले समय में हम उस एक डोमिनेंट सिस्टम का साथ दे रहे हैं जो कि आने वाले वर्ल्ड सिस्टम की सच्चाई है। तो संविधानवाद और संविधान भी चूंकि ब्रिटेन से ही है और उसका परिचय महात्मा गांधी को खूब मिल चुका है, क्योंकि बैरिस्टरी जो हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी की जो शिक्षा दीक्षा हुई है खासकर बैरिस्टरी की, वो लंदन में हुई है। तो संविधान की जो पाठशाला भी रही है या जो संविधानवाद की जो पाठशाला, वो महात्मा गांधी उसे खूब परिचित है। ये शक्ति है महात्मा गांधी की दृष्टि की। और ये भी एक आपकी क्षमता होती है कि डोमिनेंट जो ट्रेड्स हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, उसको अब वक्त के पहले पहचाने। ये आगे चल करके महात्मा गांधी के टूल में भी, महात्मा गांधी ने एक टूल ऐसा डेवलप किया जो उनके समकालीन लोगों ने वैसा डेवलप नहीं करता है, जिसको हम नॉन वायलेंस कहते हैं। और ये जो नॉन वायलेंस है ये बहुत ज्यादा करस्पॉन्ड करता है संविधानवाद की परंपरा को, क्योंकि आप यहाँ पे संविधानवाद का मतलब है कि व्यक्ति के तौर पे आपके पास राइट्स होंगे, आप सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट में बिलीव करेंगे, आप अपनी शक्ति सत्ता से जो जो सत्ता है उसके साथ एक संवैधानिक तरीके से संवाद करेंगे और अपने अधिकारों की बात करेंगे। तो अगर आप नागरिक हैं तो नागरिक की हैसियत से आपके कुछ अधिकार होंगे, और अगर अधिकार होंगे तो आपके साथ कुछ कर्तव्य भी होंगे। तो महात्मा गांधी वो कर्तव्य वाली बात भी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि चूंकि मैं ब्रिटिश नागरिक हूँ, या ब्रिटिश नागरिक मुझे कहना चाहिए क्योंकि भारत अभी उन्हीं के अधीन है, तो उस हैसियत से भी मेरा, अगर मैं राइट्स की तरफ बात करता हूँ कि मेरा नागरिक के तौर पर राइट्स है, तो मेरे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। ये बात आप उस चश्मे से देखेंगे सिर्फ कि हम गुलाम देश हैं और ब्रिटेन ने हम पर आधिपत्य कर रखा है, तो ये बात आपको डायरेक्टली पचने वाली नहीं दिखेगी। लेकिन जब आप विश्व राजनीति के हिसाब से देखेंगे, तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से देखेंगे, और तत्कालीन परिस्थितियों में कितनी गुंजाइश बाकी है, वो सकरा रास्ता जहां से चल करके आप स्वाधीनता तक पहुंच सकते हैं, और केवल स्वाधीनता तक पहुंचना नहीं है बल्कि जो करंट वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें भारत का बेहतरीन ढंग से इनिशिएशन भी करना है, उसका प्रारंभन भी करना है। ये सारी चीजें जब आपके मन में ये बातें सारी रहेंगी तो आपको बहुत फूंक फूंक करके कदम रखना होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी ध्यान में रखें, वर्ल्ड सिस्टम भी ध्यान में रखें, फॉरेन पॉलिसी का वर्ल्ड सिस्टम से कनेक्शन भी ध्यान में रखें, तब महात्मा गांधी का ये जो निर्णय है वो तो आपको और बेहतर ढंग से समझ में आएंगे। इसका असर आप देखें, ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी ने बोअर या जुलू में सपोर्ट कर दिया तो महात्मा गांधी को इसके एवज में कुछ मिल नहीं रहा है। महात्मा गांधी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आप देखें तो जो भी महात्मा गांधी के प्रयास थे, उसके बाद जब गांधी भारत में वापस आते हैं और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की परिस्थितियां बनती हैं, तो दिल्ली में वॉर कॉन्फ्रेंस होती है और महात्मा गांधी को वहां पे बुलाया जाता है। तो यानी कि महात्मा गांधी अब कम से कम अफ्रीकन जो एक्सपीरियंस रहा उनका, वहां भी अपने आप को उन्होंने सिद्ध किया। और वॉर कॉन्फ्रेंस में जब महात्मा गांधी को भारत का गवर्नर बुलाता है, तो यानी कि महात्मा गांधी की हैसियत इस स्तर पे जरूर पहुंच गई है जो कि इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी उनके पास पहले से है। और विश्व राजनीति में जितनी ज्यादा क्रेडिबिलिटी होगी उतना ही आपका वाइडर एक्सेप्टेंस होगा। तो वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी को बुलाया जाता है और ये उम्मीद की जाती है कि महात्मा गांधी की अपील से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी भारतीयों की सहायता ब्रिटेन को मिलेगी। एक और उदाहरण है जहाँ पे चर्चिल को खत लिखते हैं अमेरिकन राष्ट्रपति कि भारत की मांगों पे थोड़ा उदार रुख उनको रखना चाहिए अगर उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत का सपोर्ट चाहिए। तो ये आखिर भारत की हैसियत उस स्तर पे कैसे पहुंच रही है, इसमें एक खास सीमा तक निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी की भूमिका है। ये तो रही कोऑपरेशन की बात। हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी अपील फॉर एनलिस्टमेंट करते हैं वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के बाद, और बहुत बड़ी मात्रा में फिर भारतीय उस युद्ध में भाग भी लेते हैं। और
उसके बाद आप देखें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब चीजें इस तरह से आगे आती हैं कि राष्ट्रहित को सामने रखना है, और अमेरिका का राष्ट्रपति भी चिट्ठी लिख रहा है लेकिन चर्चिल तस्मस नहीं हो रहे, और अगर आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कुछ परिस्थितियां ज्ञात हो तो आपको ये भी ध्यान आता होगा कि जापान हमारे बिल्कुल बगल में है, और जापान और यूके एक ही साथ नहीं, एक ही ब्लॉक में नहीं है, एक ही टीम में नहीं है, वो दूसरे के आमने सामने है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तो भारत ने साथ दिया ब्रिटेन का, और खिलाफत जो एक व्यवस्था थी जिसको खत्म कर दिया गया, और उसके खिलाफ फिर महात्मा गांधी आते हैं। यहाँ से कन्फ्रंटेशन शुरू हो जाता है, कन्फ्रंटेशन की नीति महात्मा गांधी की शुरू होती है। और ये क्यों होती है, ये दिखाता है कि महात्मा गांधी कितने प्रौढ़ पॉलिटिशियन है, बहुत श्रूड पॉलिटिशियन है। पहले वो कॉपरेशन की पॉलिसी अपनाते हैं, लेकिन भारत में जब आप भारत की राजनीति को ध्यान से देखेंगे तो उसमें मुसलमानों की भूमिका, हिंदुओं की भूमिका और बाकी तबकों, बाकी धर्मों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और अच्छी खासी तादाद मुसलमानों की भी है। और मुसलमानों के लिए खिलाफत का जो मुद्दा है, जो खिलाफत सिस्टम है, वो बहुत ही उनका एक धार्मिक मुद्दा है। और ब्रिटेन को साथ देते देते आप उस सेंटिमेंट के साथ नहीं खेल सकते। दूसरी बात, यहाँ पे महात्मा गांधी एक दूसरा स्टैंड लेते हैं और बहुत खुल करके, दिल्ली में मुस्लिम वर्ल्ड की कॉन्फ्रेंस होती है, बहुत खुल करके वो ब्रिटेन की आलोचना करते हैं। लेकिन महात्मा गांधी की आलोचना करने का क्या कोई असर होता है? असर होता है, क्योंकि तब तक उन्होंने अपनी एक इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी बना ली है। तो अगर महात्मा गांधी एक स्टैंड लेते हैं तो वो शेष विश्व में तो एक तरह से इंडियन स्टैंड की तरह सामने आ रहा है, और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो भारत की है वहां पे भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस वो लेकर के आता है। दूसरा जो बहुत बड़ा डिसीजन है, जो विदेश नीति के लिहाज से भी देखा जाए, अगर आप भारत को एक निकाय की तरफ से देखें आजादी के पहले भी, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से तो निश्चित तौर पर भारत की एकता बनती ही बनती है, बहुत आधुनिक रूढ़ शब्दों में पॉलिटिकली अगर इंडिया की एकता नहीं भी बनती हो, लेकिन सांस्कृतिक तौर पे तो एक एकता बनती है। तो उस हिसाब से भी देखें तो जापान और ब्रिटेन के जो संबंध हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसके हिसाब से महात्मा गांधी समय को भांपते हुए क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं और एक मैसेज देते हैं कि भारत ब्रिटेन के साथ नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी लगा रहे हैं। और ये महात्मा गांधी की तरफ से अगर आ रहा है तो इसका एक विशेष महत्व हो जाता है। ये वो महात्मा गांधी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के पक्ष में लड़ने के लिए अपील कर रहे हैं, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो क्विट इंडिया मूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो विश्व राजनीति में उनकी भूमिका स्पष्ट हो रही है, और विदेश नीति में कब, कहाँ, कैसे, क्या स्टेप लेना चाहिए, इसकी एक छोटी सी शुरुआत गांधी कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं, उसके बाद मैं यहाँ बहुत इतिहास में नहीं जाना चाहता, वो मंतव्य भी नहीं है, लेकिन भारत आजाद होता है, और जैसा मैंने विश्व राजनीति के बारे में कहा कि आजाद हो जाना एक एक संघर्ष है, उस आजादी को कायम रखना, उस स्टेटिज्म को कायम रखना, जैसे मैंने कहा कि नेशन स्टेट एक एक्टर है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, तो आप आजाद तो हो गए लेकिन क्या आपकी संप्रभुता अक्षुण्ण है, क्या आप इस स्थिति में हैं कि आप अपनी संप्रभुता को बचा सकते हैं? आप आजाद तो हो गए लेकिन क्या जो आपका निश्चित भूभाग है उसको आप बचा पाने की स्थिति में हैं? आप आजाद तो हो गए लेकिन क्या आप लगातार अपने देशवासियों के लिए सरकार चुनने की हैसियत में है? आप आजाद हो गए लेकिन क्या आपकी विदेश नीति या आपकी दूसरी नीतियां आप ही तय करते हो या किसी के इशारे पे तय होता है? किसी देश की संप्रभुता अगर आपको जांचनी हो तो यह भी देखना देखना जरूरी है कि विदेश नीति कितनी स्वतंत्र है, और स्वतंत्र विदेश नीति हवा में नहीं बनेगी, उसके पीछे कुछ इतिहास होना चाहिए। भारत का इतिहास जो हालिया इतिहास है वो उपनिवेशवादी इतिहास है, और उपनिवेशवाद करता क्या है कि जो भी आपके एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, कल्चरल हो, उन सबको भी वो डिस्टर्ब कर रहा होता है। तो एक देश को सांस लेने का एक स्पेस होना चाहिए, एक देश को एक मौका मिलना चाहिए कि वो अपने सारे जो शैटर्ड स्ट्रक्चर हैं सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल, उनको बना पाने का मौका मिले।
संविधान तो हमने बनाया, लेकिन संविधान बनाना और संविधान जीने में कुछ समय का अंतर है। संविधान को अपने जीवन में उतारना, संस्थाओं को उस हिसाब से लेकर के आगे बढ़ने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन विश्व राजनीति आपको वो समय देने को तैयार है कि नहीं, ये उस वक्त की विश्व राजनीति में आपको देखना पड़ेगा। और आप देखें, जैसे ही भारत आजाद हुआ है, उसके बाद से विश्व राजनीति में इतिहास ये है कि दो दो वर्ल्ड वार हो चुके हैं और कोल्ड वार का टाइम है। दो बड़ी महाशक्तियां विश्व राजनीति के पटल पे उदित हो चुकी हैं, एक अमेरिका है और एक यूएसएसआर है। और स्वतंत्र विदेश नीति आप बनाएंगे, उसके लिए आपको कुछ रिसोर्स चाहिए। उसके पहले ही विश्व राजनीति आपके ऊपर ये दबाव डाल रही है कि या तो आप अमेरिका के पिछलग्गू बन जाइए या आप यूएसएसआर के पिछलग्गू बन जाइए। भारत में महात्मा गांधी जैसा व्यक्तित्व नहीं होता, तो नेहरू जैसे व्यक्तित्व को एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाने में एक अलग ही लड़ाई लड़नी पड़ जाती, जो कम से कम इस तरीके से फिर सामने नहीं आती जैसा कि हमारे सामने है। परेशानी क्या है, दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई है, और जरूरत क्या है कि आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लें? जरूरत इसलिए है कि अगर आप आजादी के तुरंत बाद से इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं लेते हैं, तो आपकी जो साख है, जो मैंने आपसे कहा कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक ही करेंसी है, वो क्रेडिबिलिटी, और आजाद होने के साथ ही आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर आंच आने वाली है, क्योंकि शायद या तो आप अमेरिकन कैंप में जाने वाले हैं या यूएसएसआर के कैंप में जाने वाले हैं। तो आपके ऊपर ये चुनौती है कि आपको इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेनी है, किसी एक खास कैंप में नहीं जाना है, लेकिन अगर आप किसी एक खास कैंप में नहीं जाएंगे तो आपको विकास करने के लिए कुछ रिसोर्सेस की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है। फिर आपको दुनिया चूंकि दो ध्रुवों में बटी हुई है, या तो अमेरिकन अम्ब्रेला में है या यूएसएसआर के अम्ब्रेला में है, तो उस दो छतरियों के नीचे आने वाले देशों से आप सहयोग कैसे मांगेंगे? और जब आप किसी भी छतरी के हिस्सा नहीं बनेंगे, तो फिर आपको एलियनेशन से गुजरना पड़ सकता है। आपकी किसी देश से लड़ाई नहीं है, लेकिन कोई देश आपको बहुत अपने क्लोज लेवल पे आने ही नहीं देगा। तो 1947 1950 की जो परिस्थितियां हैं, अगर आप इसको थोड़ा इमेजिनेशन के लेवल पे ध्यान दें, तो एक प्रधानमंत्री के तौर पे एक 1952 के का जो मंत्रिमंडल है, या 1950 के दशक का जो मंत्रिमंडल है, या जो विदेश मंत्रालय है, उसकी चुनौतियां आप महसूस करें कि उसको कैसे स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण करना है, जबकि आपके देश को अभी बहुत सारे देशों के साथ सहयोग में रहना है और रिसोर्सेस की जरूरत है। पिछले कई सालों से हम गुलाम रहे हैं, लगभग सारी ही चीजें हमें रीस्टेब्लिश करनी है, लेकिन समय कौन सा चल रहा है? कोल्ड वार का समय चल रहा है। अब महात्मा गांधी का जो व्यक्तित्व है, वो इतना विशाल हो चुका है कि पूरी दुनिया में महात्मा गांधी शब्द के साथ भारत का नाम अटैच्ड है। हो सकता है कि कोई भारत को मैप पे लोकेट ना कर पाता हो, लेकिन अगर वो गांधी का नाम जानता है तो वो भारत का नाम भी जानता है। इतनी क्रेडिबिलिटी एक आजाद देश के पास तो पहले से ही है। गांधी अपना राजनीतिक वारिस किसको चयनित करते हैं, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, और वो जवाहरलाल नेहरू है। चयनित करने जैसा कुछ नहीं था, लेकिन एक ओरिएंटेशन तो दिखती ही है, और वो कोई और भी हो सकता था, नेहरू ही क्यों? नेहरू के व्यक्तित्व के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। नेहरू पूरी पढ़ाई लिखाई बाहर से है, आधुनिक परिवार से है। उनका जो झुकाव है वो समाजवाद की तरफ है, और समाजवाद की तरफ सिर्फ झुकाव ही नहीं है, बल्कि उनकी भी एक अंतर्राष्ट्रीय छवि बन चुकी है। बल्कि 1918 19 के आसपास ही जो बर्लिन में इंटरनेशनल सोशियोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें जवाहरलाल नेहरू को बकायदा एज ए चेयर पर्सन बुलाया जा रहा है। तो आप उस यंग पर्सन का जो इम्पैक्ट है वो आप समझ सकते हैं, 1918 19 के आसपास ही कि समाजवाद को लेकर के उनका क्या इंक्लिनेशन है। अभी दुनिया को ये देखना बाकी है, 1950 के दशक में अगर हम सोचें, अभी दुनिया को देखना बाकी है कि यूएसएसआर का हश्र क्या होगा या मॉडर्न वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा। और अगर सिर्फ और सिर्फ समाजवादी मूल्यों के साथ आप देश को लेकर के आगे बढ़ोगे, और कल को इतिहास ऐसा होने वाला हो, कल को विश्व ऐसा होने वाला हो जहाँ पे अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर प्रिवेल करेगा, या कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर प्रिवेल करेगा, या पॉलिटिकल साइंस के लैंग्वेज में कहें तो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर प्रिवेल करेगा, तो उसमें केवल समाजवादी मूल्यों के साथ अगर आप अपने देश को लेकर के चलते हो, तो बहुत दूर की कौड़ी आपका देश होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता।
गांधी का जो 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 रास्ता है वो मध्यम मार्ग है। गांधी ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज की तरफ बढ़ रहे हैं, नॉन वायलेंस की तरफ बढ़ते हैं, ग्लोबल सत्याग्रह की बात करते हैं। गांधी का जब इम्पैक्ट नेहरू पे होता है तो नेहरू खालिस समाजवादी नहीं रह जाते। गांधी का असर जब नेहरू पे आता है तो नेहरू उसके लिए मैं डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट शब्द इस्तेमाल करूंगा जिसमें कोई बहुत परेशानी नहीं होगी। तो आप नेहरू को एज ए डेमोक्रेट, एज ए सोशलिस्ट जब देख पाते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट देख पाते हैं, तो ये जो डेवलपमेंट है वो उसमें गांधियन इम्पैक्ट बहुत डिसाइसिव है। ये इतना जरूरी बात क्यों है, इतनी जरूरी बात क्यों है? क्योंकि आ, आ, हमें ये पता नहीं है कि आने वाला विश्व कैसा होने वाला है। तो जो जमीन आप तैयार करेंगे भारत की विदेश नीति की, वो बहुत पुख्ता होनी चाहिए, और नेहरू उसके लिए बहुत ही सशक्त व्यक्ति हैं। ये चयन महात्मा गांधी का है, इसके लिए भी हमें महात्मा गांधी का कॉन्ट्रीब्यूशन हमें समझना पड़ेगा, समझना चाहिए। नेहरू जो विदेश नीति को जो रंग देते हैं, वो सबसे जो प्रोमिनेंट पॉलिसी है वो नैम की है, जिसको हम गुट निरपेक्षता की नीति कहते हैं। एक ऐसा देश जो फिलहाल कटोरा नहीं बना पा रहा है और वो दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉक बना रहा है। आप ये अभी सुनने में आपको आसान लगेगा, लेकिन एक ब्लॉक में वो देश है जो दो दो वर्ल्ड वॉर में जीता है, अमेरिका है, और दूसरे ब्लॉक में यूएसएसआर है जो बहुत बड़ी शक्ति बन चुका है, और जिसकी पहुंच इन दोनों महाशक्तियों की पहुंच हर कॉन्टिनेंट में है, हर रीजन में है। ऐसे में आप गुट निरपेक्षता का बिगुल बजाते हैं, और आपको बताऊं कि मेंबरशिप के हिसाब से जो गुट निरपेक्ष देशों की संख्या है वो सबसे ज्यादा है। मतलब कि यूएस ब्लॉक और यूएसएसआर ब्लॉक में सारे जो देश हैं अलग अलग, उससे कहीं ज्यादा संख्या गुट निरपेक्ष ब्लॉक की है। उसका नेतृत्व कौन सा देश कर रहा है? वो देश कर रहा है जिसके ऊपर ये चुनौती है कि उसे एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर चलना है। क्या अकेले नेहरू के करने से ये हो सकता था अगर पीछे एक इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी गांधी ने ना बनाई होती? ये सोचना ही थोड़ा सा, आप ऐसे सोच ही नहीं सकते हो। गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो उद्देश्य हैं आपको वहां पे गांधी नजर आएंगे। सबसे पहला उद्देश्य है कि वो किसी भी तरह के कॉलोनिज्म के विरोध में है, कोई भी देश जो उपनिवेशवादी है उसके विरोध में है, यहाँ भी आपको गांधी नजर आएंगे। उसका दूसरा उद्देश्य ये है कि इकोनॉमिक जो ऑर्डर है वो इक्वल लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए, यहाँ भी आपको गांधी की समानता का जो मूल्य है वो दिखेगा। अगला जो है वो अपार्थाइड के विरोध में है, किसी भी तरह का रेसिज्म को वो मानता नहीं है, सभी वर्ल्ड ऑर्डर में सारे देशों की जो हैसियत है वो बराबर होनी चाहिए, कॉमनवेल्थ भी प्रमोट करते हैं नेहरू ताकि जो कोऑपरेशन की गुंजाइश है वो बनी रहे। तो ये सारा जो मिडिल पाथ है जो नेहरू ले पा रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो दार्शनिक जो जो फिलोसॉफिकल कॉन्ट्रीब्यूशन है वो महात्मा गांधी की तरफ से आ रहा है। आगे चल के ये बात और है कि भारत का चीन के साथ संबंध बहुत अच्छा नहीं रह जाता और 1962 में चीन अटैक करता है, लेकिन जब आप हेड ऑफ द स्टेट होते हो, जब आप उस हैसियत में होते हो, जब आप कुछ डिसीजन कर रहे होते हो, तो आपको भविष्य नजर नहीं आता, किसी को नजर नहीं आता। तो सिर्फ और सिर्फ परिणाम की दृष्टि से सारी ही निर्णयों को देखना बहुत ही आसान अप्रोच हो जाएगा और थोड़ा सा न्यायसंगत नहीं होगा, लेकिन भारत जो विश्व राजनीति को, थोड़ा सा एक चीज और भी मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि विश्व राजनीति का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसको हम रीजन में बांटते हैं, जैसे साउथ एशिया है, वेस्ट एशिया है, वैसे तो वर्ल्ड में हम कॉन्टिनेंट होते हैं लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हम रीजन, स्ट्रेटेजिक रीजन की तरह से बात करते हैं, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, यूरोप, उसके भी छोटे छोटे रीजन। तो हर एक रीजन में जो कंट्रीज होती हैं वो यही कोशिश करती हैं कि कोई वर्ल्ड पावर इंटरवीन ना करे, ताकि जो रीजनल कोऑपरेशन है उसका जो निर्णय है वही जो देश हैं जो उस रीजन में रहते हैं वो करें, क्योंकि अगर उनकी आपस में नहीं बनेगी तो जो महाशक्तियां हैं वो इंटरवीन करेंगी और फिर वो बहुत स्वतंत्र विदेश नीति को लेकर के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उस दृष्टिकोण से चीन के साथ पंचशील की नीति नेहरू अपनाते हैं, और पंचशील को भी जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको वहां गांधी नजर आएंगे। गुड, कई बार मैं देखता हूँ फेसबुक पे भी और बहुत सारी जगहों पे लोग नैम की बहुत खिल्लियां उड़ाते हैं और वो कहते हैं कि नैम से हमें मिला मिला क्या। आज की विदेश नीति
भारत की विदेश नीति फिलहाल ठीक है, लेकिन आज की विदेश नीति जिसमें पिछले 20 सालों की बात मैं कर रहा हूँ, और गुटनिरपेक्षता के समय की जो विदेश नीति है, अगर उसकी तुलना करने की कोशिश मैं करूँ, और अगर आपको नहीं नजर आता हो या किसी को नजर नहीं आता हो कि गुटनिरपेक्ष नीति अपनाने से भारत को फायदा क्या पहुंचा, तो मैं कुछ उदाहरण दूंगा। आपकी साख कितनी मजबूत हुई है विश्व राजनीति में, इसका पता तब चलता है कि जब दुनिया भर के देश किसी विवाद में फंसते हैं तो क्या उस विवाद के निपटारे में वो आपकी तरफ मुंह देखते हैं या नहीं, वो आपकी तरफ देखते हैं कि नहीं देखते हैं। आज भारत के बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं, मर्जिंग इंडिया, भारत ऐसा कर रहा, भारत वैसा कर रहा है, एक्टिव फॉरेन पॉलिसी है। ऐसा तो नहीं है कि आज की विश्व राजनीति में विवादों की कमी है? कितने अवसरों पे भारत को एक मध्यस्थ की तरह बुलाया जाता है, या कितने कौन से ऐसे बड़े वर्ल्ड क्राइसिस हैं जहां पे भारत की ओपिनियन या भारत की मीडिएशन से बात आगे बढ़ रही है, ये आप खुद देखें। लेकिन नैम के समय में आपको 2-3 उदाहरण दूंगा, जो कांगो इशू हुआ वहां पे भारत ने अमेरिका की मदद की थी और अमेरिका ने उस मदद को रिकॉग्नाइज भी किया था। फिर 1950 से 53 के बीच में जो कोरियन वॉर हुआ है वहां पे भी इंडियन कंट्रीब्यूशन को बहुत सराहा गया है। बकायदा जो एक कमीशन है, न्यूट्रल नेशन रिपेट्रिएशन कमीशन, भारत को उसका चेयरपर्सन बनाया गया है, और ये समय है 1950 से 53 का। भारत को आजाद हुए बहुत साल नहीं हुए हैं, तभी से ही वो एक ग्लोबल कमीशन का प्रेसिडेंट है। ये कैसे हुआ है? भारत दुनिया का अमीर देश नहीं है, भारत दोनों वर्ल्ड वॉर में कोई विजेता देश नहीं है, या फिर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट की तरह उसने पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसकी साख देखिए कि उसे न्यूट्रल नेशन रिपेट्रिएशन कमीशन का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। 1940s का जो डिकेड है उसमें इंटरनेशनल कंट्रोल कमीशन बनाया गया है, और उसमें भी भारत को चेयरपर्सन बनाया गया है। बाद में पीस कीपिंग फोर्सेस आप देखें तो भारत की पीस कीपिंग फोर्सेस ने भी बहुत शानदार काम किया है, उस हिसाब से आप कहें। और दूसरी बात ये भी है कि वो जो दौर है उसमें भारत ही वो देश है जिसे अमेरिका से सर्वाधिक मदद मिली है। आप 1950s में देखें तो किसी भी कोई भी ऐसा देश जो US ब्लॉक का मेंबर नहीं है, और उसमें भारत सबसे सर्वोच्च स्थान पे है जो अमेरिका से सर्वाधिक सहायता प्राप्त करता है। अमेरिका बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि जैसे ही भारत आजाद होगा वो हमारे ब्लॉक में आ जाएगा, और यूएसएसआर भी कॉन्फिडेंट है कि हमारे ब्लॉक में आएगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल लोकेशन भारत की ऐसी है, हिस्टोरिकल बॉन्ड्स हमारे ऐसे हैं। आप यूएसएसआर के खेमे में भी नहीं जा रहे, अमेरिका के खेमे में भी नहीं जा रहे, दोनों वर्ल्ड वार में अमेरिका को बहुत फायदा पहुंचा है, और अमेरिका से आप सहायता लेने की स्थिति में भी आ गए, अमेरिका आपको रिकग्नाइज भी कर रहा है, अमेरिका आपको हेल्प भी कर रहा है। ये गुट निरपेक्ष नीति की सफलता नहीं है, तो फिर विदेश नीति में कूटनीति की सफलता कहते किसे हैं, ये हमें एक बार सोचना पड़ेगा। गांधी की विश्व राजनीति में क्या भूमिका रही है, और केवल भारत की विदेशी नीति नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे गांधी का कैसा इम्पैक्ट रहा है, उसके ऊपर अगर हम बात करें तो सबसे पहले मुझे ध्यान आता है अब्दुल गफ्फार खान का, जिनको हम सीमांत गांधी कहते हैं, और उनको सीमांत गांधी कहते ही इसीलिए हैं क्योंकि जो जो गांधी की टेक्निक है नॉन वायलेंस की, सत्याग्रह की, कि वो उसे आत्मसात करते हैं, और उसका बड़ा गहरा इम्पैक्ट लोगों पे पड़ता है। दूसरा, रंगभेदी जो आंदोलन है जो अमेरिका में हुआ, जिसके जो नेता रहे मार्टिन लूथर किंग, उनके ऊपर गांधी का बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। और मार्टिन लूथर किंग महात्मा गांधी के टूल्स जो सत्याग्रह है नॉन वायलेंस है उसी को फॉलो करते हैं, और बहुत गहरा इम्पैक्ट वो अमेरिका में भी बनाते हैं। और जब वो भारत आते हैं मार्टिन लूथर किंग, तो उनका बहुत फेमस एक वक्तव्य है कि मैं दुनिया के दूसरे देशों में तो एक टूरिस्ट के तौर पे जाता हूँ या जा सकता हूँ, लेकिन भारत में जब मैं आता हूँ तो मैं एक तीर्थयात्री के तौर पर आता हूँ, क्योंकि ये गांधी का देश है। इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी देखिए आप, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे गांधी का इम्पैक्ट है। नेल्सन मंडेला का नाम हम जानते हैं, और नेल्सन मंडेला ने जिस तरीके से संघर्ष किया है, और जिस तरीके से नेल्सन मंडेला ने अपने देश का फिर नेतृत्व किया है, और नेल्सन मंडेला के जीवन में गांधी का की जो भूमिका है वो हम सब काफी वाकिफ हैं।
अभी हाल ही ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, जब उनका इनॉग्रल एड्रेस हुआ, उन्होंने गांधी को बहुत शिद्दत से याद किया। और अमेरिका अभी भी दुनिया का लगभग, हम कह सकते हैं, नंबर वन कंट्री है लगभग सारे ही कॉन्टेक्स्ट में, खासकर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में। और वहाँ का जो सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सबसे पावरफुल होता है, और पहले अश्वेत अमेरिकी हैं ओबामा राष्ट्रपति के तौर पे, और वो अपने उद्घाटन भाषण में गांधी की चर्चा करते हैं। ये है इम्पैक्ट गांधी का वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे। दुनिया भर में बहुत सारे मूवमेंट्स लगातार चलते रहते हैं, और आपको ये रिसर्च मिल जाएगा, पब्लिक डोमेन में है, कि जो पॉलिटिकल सक्सेस है वायलेंट मूवमेंट्स की और नॉन वायलेंट मूवमेंट्स की, आपको जान के ये सुखद आश्चर्य होगा कि नॉन वायलेंट मूवमेंट्स पॉलिटिकली ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं पूरी दुनिया में। तो जो नॉन वायलेंट मूवमेंट्स दुनिया के किसी भी हिस्से में चल रहे होते हैं, आप उसमें आपको गांधी का पोस्टर, गांधी की बातें आपको जरूर नजर आ जाएंगी। ये बिल्कुल गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, आराम से आपको इंटरनेट पे तस्वीरें मिल जाएंगी। अरब स्प्रिंग, हालांकि बहुत ज्यादा हर बार हर जगह वो नॉन वायलेंट नहीं रहा, लेकिन कम से कम उसकी शुरुआत लगभग हर देश में एक नॉन वायलेंट मूवमेंट की तरह हुई है। और अरब स्प्रिंग वेस्ट एशिया में बहुत ही गहरा इम्पैक्ट रखता है जब आप प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन की बात करेंगे। हालांकि पूरी तरह सक्सेस नहीं रहा, और मैं अभी वो खत्म हो गया ये भी नहीं कहूंगा, विश्व राजनीति में कुछ चीजें लगातार चलती रहती हैं। तो अरब स्प्रिंग में भी आपको गांधियन वेज कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगा। एक आलोचना होती है महात्मा गांधी की कि महात्मा गांधी नॉन वायलेंस की बात करते हैं, ये डिप्लोमेसी का वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, ग्लोबलाइजेशन का निर्मम समय है, यहाँ पे आपको हार्ड पावर भी होना है, सॉफ्ट पावर भी होना है, दोनों कॉम्बिनेशन स्मार्ट पावर होना है, तो उसमें गांधी कितने प्रासंगिक होंगे। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स या ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंस के सब्जेक्ट को बहुत बाइनरी में देखने की गलती हमें नहीं करनी चाहिए। और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक बड़ा बदलाव तब से आया है जब से दुनिया ने परमाणु आयुधों की का इजाद कर लिया है, और इसको कहते हैं कि एक कंपेरेटिवली पीसफुल टाइम है, क्योंकि अगर आपके पास परमाणु बम है, और हमने देखा अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और कि जब से परमाणु बम बने हैं, हालांकि इससे घातक हथियार की कल्पना आप नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद जो सीधी फाइट है दो देशों के बीच में वो रुक गई है। डायरेक्ट वॉर हम तैयारी तो रखते हैं, लेकिन डायरेक्ट वॉर की तरफ बढ़ते नहीं है, डिप्लोमेसी काम में आती है। तो हार्ड पावर कैपेबिलिटी हम मेंटेन करते हैं, प्रिपेयर्डनेस रहती है हमारे पास, लेकिन जो डिप्लोमेसी होती है वो सॉफ्ट पावर की तरह होती है। अभी हाल जोसेफ पॉलिटिकल साइंस में जोसेफ नाई आईआर में जोसेफ नाई इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आते हैं कि सॉफ्ट पावर वक्त की जरूरत है, जहाँ पे आपका जो कल्चरल डोमिनेंस है, जो सोशल डोमिनेंस है, आपका क्विजीन बहुत शानदार है, आपके डांस बहुत अच्छे हैं, म्यूजिक बहुत अच्छे हैं, तो आप इस तरीके से एक इम्पैक्ट बनाते हो, आपकी क्रेडिबिलिटी बनाती है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, इसको हम सॉफ्ट पावर कहते हैं। महात्मा गांधी इसकी शुरुआत बहुत पहले कर देते हैं, जब जोसेफ नाई के बारे में किसी को पता ही नहीं था। सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट भले ना आया हो, लेकिन महात्मा गांधी के जो टूल्स हैं वो सॉफ्ट पावर की तरह ही आगे बढ़ते हैं। और नैम से लेकर के आज तक भारत हार्ड पावर तो है ही, दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले देश तो हम है ही, हमें पता ही है। इसके साथ ही साथ जो वर्ल्ड में क्रेडिबिलिटी भारत की है, वो एक सॉफ्ट पावर की तरह भी है। इसकी शुरुआत निश्चित तौर पे महात्मा गांधी का से हुई है, और महात्मा गांधी का कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें दिखता है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, मैंने यथार्थवाद और आदर्शवाद की बात की थी, कि विश्व राजनीति को जब जब आप देखना शुरू करेंगे, या तो आप रियलिज्म के चश्मे से देखेंगे या आदर्शवाद के तरीके से देखेंगे। रियलिज्म जो ये कहता है कि नहीं, कॉन्फ्लिक्ट होना ही होना है, तो आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो इनसिक्योरिटी की वजह से आप सिक्योरिटी की सारी तैयारियां करोगे, आप मजबूर हो उसी तरीके से सोचने के लिए। और आदर्शवाद में क्या है कि ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट तो होगा, लेकिन हम उसे सुलझा सकते हैं निगोसिएशन करके, लेकिन असुरक्षा की भावना वहां भी है। इसके नुकसान ये हैं कि हम टोटैलिटी में वर्ल्ड पॉलिटिक्स को नहीं देख पाते। तो महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी का तरीका है नॉन वायलेंस का, सत्याग्रह का, जिसकी क्रेडिबिलिटी आप लगातार बना के चल रहे हैं, वो इसका उत्तर है, वो इंडियन आंसर है वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, कि आप ना तो सिर्फ और सिर्फ पूरी पूरी यथार्थवाद को मान रहे हो, क्योंकि विचारधारा की सीमा होती ही है, थ्योरी की सीमा भी होगी, क्योंकि समय के हिसाब से बदलती हैं चीजें। आदर्शवाद भी एक असुरक्षा से ग्रस्त है, यथार्थवाद में भी एक असुरक्षा है, लेकिन गांधीयन वे ऐसा है जो पीस प्रोसेस को कॉन्ट्रीब्यूट
पीस प्रोसेस को शक्ति देता है। और अगर आप विश्व इतिहास को ध्यान से देखें तो ये बड़ा जान करके आश्चर्य होता है कि अभी का जो समय है वो रिलेटिवली इट्स ए पीसफुल टाइम, इसको कह सकते। आप दुनिया का किसी भी समय का इतिहास देख लें, जितना वो रक्त रंजित रहा है, अभी फिर भी एक वर्ल्ड सिस्टम है, एक वर्ल्ड ऑर्डर है। मैं ये नहीं कहता कि जस्टिस बिल्कुल एस्टेब्लिश हो गया है, लेकिन आपको डिप्लोमेसी दिखाई पड़ेगी, आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दिखाई पड़ेंगे, आपको निगोसिएशंस दिखाई पड़ेंगे, आपको कॉन्फ्रेंसेस दिखाई पड़ेंगे, आपको समिट दिखाई पड़ेंगे। कोविड के टाइम में भी आपने देखा कि अगर फिजिकली नहीं वर्ल्ड लीडर्स मिल पाते हैं तो भी वो इंटरनेट साइबर स्पेस में जाकर के कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन करने की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का सिस्टम है, निगोसिएशंस लगातार चल रहे हैं, एम्बेसीज बनी हुई हैं। सबसे पहले दुनिया के देश जब भी किसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की पोजीशन में आते हैं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी इंटरवेंशन होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी काम करती हैं, नॉन इंटरनेशनल एनजीओज भी काम करते हैं। तो ये सारे जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो जो कि पीस कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में भी पीस वाले अप्रोच को अपनाते हैं, ये क्या गांधीयन अप्रोच नहीं है, जहां पे गांधी पीस को प्रायोरिटी देना चाहते हैं कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। तो ये बस एक देखने की दृष्टि है कि गांधी को आप एक अहिंसक व्यक्ति मान ले, और जो गांधी को समझते हैं थोड़ा बहुत भी, वो जानते हैं कि कायर होना और अहिंसक होने में बहुत बहुत गंभीर अंतर है। एक साहसी व्यक्ति, एक पहल करने वाला व्यक्ति ही अहिंसक हो सकता है। तो जितने भी पीसफुल प्रोसेसेस हैं उनको गांधीयन प्रिंसिपल या गांधीयन स्पिरिट में हम देख सकते हैं। एक ग्लोबल सत्याग्रह की बात है, जैसे ग्लोबल क्राइसिस की डिफिनीशन ये कहती है, इसको कंटेम्प्रोरी टाइम में अगर हम रिलेट करें, कि विश्व की वो समस्या जो किसी एक या दो देशों से निपटने वाली नहीं है, उसे हम ग्लोबल क्राइसिस कहते हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, अब भारत अपने तई प्रयास करे तो दुनिया से ग्लोबल वार्मिंग खत्म नहीं होगा, लेकिन दुनिया भर के देश हाथ मिलाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग से हम आगे बढ़ पाएंगे। ये जो हाथ मिलाना है, ये जो पीस स्टेब्लिश करने की कोशिश है, पीस को कॉम्प्रिहेंसिवली अगर हम देखें तो ये गांधीयन वे है। सॉफ्ट पावर आज की दुनिया में सारे दुनिया के देश एडॉप्ट कर ही रहे हैं, और इसकी शुरुआत कम से कम डिप्लोमेटिक लेवल पे गांधी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से पूरी समग्रता में अगर हम देखें तो भारत की विदेश नीति में आज जो आत्मविश्वास है, उसका जो इंक्लिनेशन है, उसका जो इंडिपेंडेंस है, उसके जो शुरुआती सोपान है, उसमें महात्मा गांधी की भूमिका को बहुत ही प्रोमिनेंट तरीके से हाईलाइट किया जा सकता है। तो गांधी प्रासंगिक है या नहीं, ये तो बहस ही बेमानी है। गांधी ना केवल जीवन के दूसरे पहलुओं में उतने ही प्रासंगिक हैं, बल्कि विश्व राजनीति के क्षेत्र में भी और इंडियन फॉरेन पॉलिसी की नींव बनाने में भी उनका रोल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जहां तक मैं, हाँ, साउथ अफ्रीका में गांधी की भूमिका और उसका विश्व राजनीति पर प्रभाव के बारे में कुछ प्रकाश डाली। यदि साउथ अफ्रीका का कालखंड गांधी के जीवन से निकाल कर सोचें तो विश्व प्रदेश पर गांधी का प्रभाव कुछ देर से पड़ता दिखेगा। मैं आपसे सहमत हूँ शैलेन कबीर जी, क्योंकि गांधीयन एक्सपीरियंस में अफ्रीकन एक्सपीरियंस आप निकाल दें तो गांधीयन को गांधीयन बनने में ही बहुत समय लग जाने वाला है। गांधी को ज्ञान तो हुआ है, ज्ञान तो वो उनके लंदन प्रवास में ही हो गया है, बहुत सारी चीजें वो पढ़ रहे हैं, लेकिन अफ्रीका में वो जमीन मिल जाती है जहां वो उस ज्ञान को एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं, उसको टेस्ट कर पाते हैं और बहुत सक्सेसफुल्ली कर ले जाते हैं, वो जरूरी कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ जाता है। तो अगर जिसको हम गांधीयन कहते हैं, अगर उसमें से आप अफ्रीका निकाल देंगे तो जमीन पे आने लायक कुछ बचेगा नहीं। अगर अफ्रीका नहीं होता गांधी के लाइफ में तो गांधी शायद एक विचारक के तौर पे याद किए जाते। आज गांधी को आप सिर्फ विचारक नहीं कहते, आज आप गांधी को समाज सुधारक भी कहते हैं, आज आप गांधी को राष्ट्रपिता भी कह रहे हैं, आज आप गांधी को एक विश्व राजनीति में उनकी भूमिका है ऐसा कह रहे हैं, भारत की विदेश नीति में नींव के पत्थर है ऐसा कह रहे हैं। ये सब कुछ जो जमीनी बदलाव गांधी सफल सत्तापूर्वक लाते हैं, भारत जैसे देश में जो कि सांस्कृतिक तौर पे शायद भले ही एक हो बट राजनीतिक तौर पे वो एक नहीं है, फिर भी पहला मास मोबिलाइजेशन भारत में लेकर के लाते हैं और ब्रिटिशर्स को स्तब्ध कर देते हैं। तो ये जो जमीन पे प्रभाव पैदा कर पा रहे गांधी, वो नहीं होता अगर साउथ अफ्रीकन एक्सपीरियंस महात्मा गांधी के पास नहीं होता। लेकिन एक पॉलिटिशियन को कब
किस चीज को पकड़ना है, कब किसका साथ देना है, अपनी बात कैसे रखनी है। गांधी का कम्युनिकेशन बहुत शानदार है, वो अपने पहनावे से भी बात करते हैं। गांधी बहुत सरल हैं, बहुत सधे हुए शब्द इस्तेमाल करते हैं और दूर तक सोचते हैं। तो राजनीति में इन सारे गुणों की बहुत प्रधानता है और अंत में टोटैलिटी हम मिस नहीं कर सकते पॉलिटिक्स में। गांधी से टोटैलिटी कभी मिस हुई ही नहीं है, जो बात हमें आने वाले बहुत सालों बाद समझ में आती है। बहुत सारे लोग सीधा सवाल करते हैं कि गांधी अनशन पर बैठे हैं, पाकिस्तान को पार्टीशन के पास, पाकिस्तान पाकिस्तान को कुछ पैसे भेजने हैं और गांधी पाकिस्तान के लिए अनशन कर रहे हैं। ये जो क्रेडिबिलिटी की बात मैंने की है, विश्व राजनीति में एक स्वतंत्र देश है और अगर वो अपनी शुरुआत ही ऐसे करेगा कि वो किसी देश के पैसे वापस नहीं कर रहा है या उसके हिस्से के पैसे वापस नहीं कर रहा है, या जो भी आप देखिए उसका क्वांटिटेटिव सिग्निफिकेंस नहीं है उस घटना का, उस घटना का क्वालिटेटिव सिग्निफिकेंस है, क्योंकि वो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ा रहा है। ऐसा नहीं है, भारत दुनिया का सबसे रिच कंट्री है, दुनिया का सबसे अमीर देश भारत नहीं है, लेकिन इस पैंडेमिक में हमारे देश ने दुनिया के बाकी देशों की सहायता की है। इसके एवज में हमें क्या मिलने वाला है, वो क्रेडिबिलिटी है। ये विश्व राजनीति का इकलौता सिक्का है। अगर ये सिक्का आपके देश में नहीं है तो आपकी विदेश नीति कुछ कर नहीं पाएगी, और इस सिक्के को आपको चलाना पड़ेगा जैसे ही आप आजाद हुए। अगर आप आजाद हुए और आपके हाथ में क्रेडिबिलिटी का सिक्का नहीं है तो आप कैसे खरीद करोगे विश्व राजनीति में। तो ये जो सिक्का है, इसके पहले टकसाल में जो पहला आदमी इस सिक्के को ढाल रहा है वो महात्मा गांधी। तो कमेंट सेक्शन में मैं और कोई प्रश्न नहीं पा रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूँ। और मैं बहुत ही आभारी हूँ बुद्ध से कबीर मंच का। इस मंच की बहुत सारी खासियतें हैं, मैं जिन लोगों से भी मेरी बातचीत हो पाती है अपनी सीमा में, मुझे कई छोटे छोटे बुद्ध और छोटे छोटे कबीर दिखाई पड़ते हैं, मैं उनसे सीखता रहता हूँ। ये अवसर मिला आज की गांधी को विश्व राजनीति और विदेश नीति के चश्मे से भी देखा जाए, मैंने एक विनम्र कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।